अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं यार आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे फिट और मस्त होंगे। तो यार ये जगह देख रहे हो आप सामने, तो यहाँ से आगे जो गांव नजर आता है बहुत ही खूबसूरत व्यू है उसका, तो बड़ा ही कमाल व्यू है इस जगह का। तो अब सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि यहाँ कैसे जाए, यहाँ का रास्ता कैसे मिलेगा, यहाँ पहुंचा कैसे जाए, और यहाँ बाइक जाता है अगर जाता है इस चूंच पे खड़ा होता है जाके तो कैसे जाता है, कैसे वहाँ पे ले जाया जा सकता है भाई। ऐसे ही जिस दिन मैं यहाँ पे गया तो मैंने एक फोटो स्टेटस पे डाली, तो उस पर काफी ज्यादा रिप्लाई आया कि यहाँ पे कैसे जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए, कौन सी जगह है, कैसे जाएंगे, यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना इस जगह का एक क्विक सा व्लॉग हो जाए जिसमें मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ से इसका रास्ता जाएगा, किस जगह से इसका लिंक रोड लेना है और कैसे बाइक को इस चून पे पहुंचाना है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं अपना सफर जो कि शुरू होने वाला है मुजफ्फराबाद से। और अगर मुजफ्फराबाद का भी नहीं पता तो मैं अभी आपको गूगल मैप से बताता हूँ। ये देखें आप मुजफ्फराबाद, और यहीं पे आप नेक्स्ट लोकेशन डालें अठमकाम की। टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 98 किलोमीटर है, और अगर ये आप देखें तो गूगल मैप 3 घंटे और 33 मिनट बता रहा है मुजफ्फराबाद से अठमकाम तक पहुंचने के लिए। क्या वाकई में इतना टाइम लगता है? इस बात का जवाब मैं आपको इस चूंच पे पहुंचने के बाद ही बताऊंगा। और जरा सा जूम करके देखते हैं जो यहाँ पे गांव है सलहल्ला, यहाँ पे एक और गांव है शाहकोट, वहाँ से आपने लेनी है लिंक रोड इस जगह पे जाने के लिए। तो सफर को शुरू करते हैं फिर। तो ऐसे ही 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच गए कोहड़ी, और रोड की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं कितनी शशके वाली रोड है ये, बिल्कुल स्मूथ। और रास्ते में जाते जाते ये खूबसूरत जो नजारे आते हैं, ओहो इनकी तो क्या ही बात की जाए। तो ऐसे ही गपशप करते करते हम लोग पहुंच गए पटिक्का में। और अगर यहाँ पे आप रुके तो आपको बताऊं कि यहाँ के टिक्के जरूर खाते जाना यार, टेस्ट में बहुत बढ़िया और रेट्स भी उनके बहुत ही मुनासिब हैं। तो मैं और मेरा कजन कुछ ही सफर करने के बाद पहुंच गए दन्नी वाटरफॉल पे। वैसे तो लोगों के लिए ये बहुत ही कमाल की आबशार है, बट मुझे कुछ ज्यादा ये अट्रैक्ट नहीं करती, और इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्यों। तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव करने के बाद पहुंच गए नुसेरी डैम के पास। यहाँ पे पानी के फ्लो का शशका ही अलग है, ओहो। तो इस पानी की शशके के साथ इस डैम का शशका देखें आप। काफी देर से आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी, तो हल्का सा दीदार मेरी शक्ल का भी कर लें, तो थोड़ा सा शशका ना अपने बाइक का भी मार लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे कजन ने लिया है कुछ ही दिन पहले न्यू होंडा 150, और आज इसका भी पहला ही टूर है ये नीलम वैली की तरफ। बट यार सच बताऊं तो बड़ा ही स्मूथ सफर इस पे गुजर रहा है, और टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। तो जी ये जगह है जहाँ से स्टार्ट होती है नीलम वैली, और थोड़ा सी आगे चलने के बाद आपको मिलती है इस जगह से उस कश्मीर की लुक जो कि इंडिया के पास। और ये देखें आप, यहाँ से आपको दोनों कश्मीर आमने सामने दिखाई देते हैं, और इस जगह को कहते हैं LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर है कश्मीर के बॉर्डर, उस तरफ का कश्मीर इंडिया के पास है और इस तरफ का कश्मीर पाकिस्तान के पास है। सामने वाले गाँव का नाम है टीटवाल, और इस तरफ के गाँव को कहते हैं चिलहाना। और यहाँ पे आप किसी भी होटल की छत पे रुक के सामने का नजारा कर सकते हैं। और मैं इस वक्त जिस होटल की छत पे खड़ा हूँ उस होटल का नाम है फर्स्ट कप। तो मुजफ्फराबाद से LOC तक हमें लग गया 1 घंटा, और यहाँ से आगे आपको ऐसे ही खूबसूरत व्यूज मिलने वाले हैं। और अब फिर से थोड़ी सी शोखी मारने का टाइम आ गया, चले हमें आप स्किप करें और देखें ये घोड़ों का एक रेवड़। ऐसे ही आपको रास्ते में बेशुमार रेवड़ मिलेंगे बकरियों और घोड़ों के। तो कुछ ही देर के बाद हम पहुंच गए गुंडलछाई बाजार में। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव के बाद आप कुटन वाटरफॉल पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप राइट साइड वाली मेन रोड पे चलते रहेंगे तो ताऊवट पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई 10 घंटे के बाद, वो भी गुंडलछाई पहुंचने के बाद। खैर जो कि हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया था, तो हम यहाँ पे इस होटल पे रुके और अच्छे से अंडा पराठा और चाय का मजा लिया। और नाश्ता करने के बाद हमने कुछ देर यहीं पे थोड़ा आराम भी किया। तो जो कि कुंडलशाही से आगे सिर्फ 7 किलोमीटर का रास्ता है अठमकाम तक, और उसकी डेस्टिनेशन का लिंक रोड अठमकाम पहुंचने से 5 मिनट पहले ही आता है, और उस गांव का नाम है शाहकोट। तो शाहकोट में पहुंचने के बाद आपने ये वाली लिंक रोड लेनी है जो कि कट्ठा पीरा के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे हमारे एक दोस्त से रब्ता हुआ जिनका नाम है उनीब, तो उनने भी हमें इस लिंक रोड से ज्वाइन किया इस हल्दी पड़ी पे जाने के लिए। और ये है हमारे प्यारे उनीब भाई जो कि अपने 70 को उस पहाड़ी पे ले जाने वाले हैं। तो यार इस लिंक रोड पे आने के बाद क्या ही व्यूज मिल रहे हैं। तो अब हमें भी एग्जैक्ट अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता कहाँ से मिलेगा। फिर एक गाड़ी वाले भाई से हमने रास्ते का पूछा, तो मालूम पड़ा इस नीचे वाले लिंक रोड पे जो सामने लकड़ी का पुल है इसको क्रॉस करके आगे जाना है। तो अब यहाँ से आगे रोड की कंडीशन थोड़ी टफ होने वाली है, कच्ची रोड है और काफी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर एक और लिंक रोड मिली, तो इस लिंक रोड से आपने राइट जाना है जो कि एक स्टीप सी चढ़ाई नजर आ रही है आपको उसकी तरफ। तो यार बड़ी मुश्किल ये चढ़ाई है, और जो पानी के पास लकड़ी का पुल था उसको क्रॉस करने के बाद एक पहली ये जगह है जो थोड़ी सी मुश्किल है, वो भी इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही स्टीप सी चढ़ाई है। और इस चढ़ाई को कवर करने के बाद आप 2 से 3 मिनट की ड्राइव करेंगे तो आपको ये जगह मिलेगी जहाँ से आपको ये चुंच दिखाई देती है, और यहाँ से आपने आगे नहीं जाना, यहाँ से आपने लेफ्ट साइड
बाइक पे जो नीचे वाली तरफ उतराई जा रही है इस तरफ जाना है। अब जो कि ये बाइक भी थोड़ा वजनी है तो थोड़ा एहतियात से इसको ले जाना होगा। और उनीब भाई जो कि 70 लेके आगे निकल गए, तो जी फाइनली ये सामने रही अपनी मंजिल और वहाँ पे पहले से कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपनी फोटो और वीडियोस वगैरह बनाने में मसरूफ हैं। वैसे तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से आगे रास्ता खत्म हो जाता है और बाइक यहीं पे रोकने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 दोस्त हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करके इस चूंच के ऊपर बाइक ले जाया जा सकता है। तो इसी तरह हमने भी हिम्मत की और बाइक को इस चूंच पे पहुंचा दिया। और ये देखें आप, उनीब भाई और सदाम भाई खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि एक तो ये बाइक भी थोड़ा सा चौड़ा है और इसका वजन भी काफी ज्यादा है। तो बड़ी हिम्मत करके हमने इस बाइक को इस चूंच पे पहुंचाया और हम सब की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार इस जगह पे अपने बाइक को पहुंचाना है लाजमी, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने के बाद बाइक यहाँ पे लगाया जाए तो शशका तभी पूरा होता है। तो बाइक को यहाँ पे पहुंचाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक की। और सदाम भाई की आप ये वाली फोटो देखें, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हैरी पॉटर में उड़ने वाली जादुई स्टिक पे बैठे हुए हो। तो अब आपको बताऊं कि इस जगह के बहुत से नाम हैं। इस जगह को हल्दी पड़ी भी कहते हैं, चूंच पड़ी भी कहते हैं, चूंच वाला पहाड़ भी कहते हैं, और पहाड़ी जुबान में हल्दी पड़ी और हल्दी चूंड भी कहते हैं। और ये जो ड्रोन शॉट से आप इस जगह के नजारे कर रहे हैं ये बनाए हैं हैदर भाई ने, ह्यूमन ऑफ कश्मीर के नाम से उनका इंस्टा अकाउंट है। लिटरली बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम है हैदर भाई का। तो हैदर भाई का यूट्यूब चैनल भी हैदर ताहिर सारिफ नाम से। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके इंस्टा और यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इंस्टा पे फॉलो करके मजीद ऐसी खूबसूरत नेचर की वीडियोस को एंजॉय करें। तो इन सवालों का जवाब इस वीडियो में कंप्लीट हो गया कि यहाँ कैसे जाएं, यहाँ बाइक जाता है कि नहीं जाता, और अगर इस चूंच पे जाता है तो कैसे जाता है, और ये जगह किधर है। और मेरे ख्याल से सिर्फ एक सवाल बाकी है जिसका अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया कि यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मुजफ्फराबाद से शाहकोट लिंक रोड तक हमारा जो टाइम कंज्यूम हुआ वो तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट है, और शाहकोट लिंक रोड से आगे इस हल्दी पड़ी तक जो टाइम कंज्यूम हुआ वो तकरीबन 20 से 25 मिनट है। तो टोटल मुजफ्फराबाद से अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें लगे 2 घंटे और 40 मिनट। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा अकाउंट भी मेंशन है, आप मुझसे वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको वाकई में अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो याद मस्ट करना है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुश रहें, आबाद रहें, और घूमते फिरते रहा करें। Stay tuned. Allah Hafiz.